हेलो, वेलकम टू द सुमो बायोलॉजी। देखिए नीट के हम लोग क्या सेशन चल रहा है। नीट के चैप्टर 15 के क्वेश्चन हम लोग आज देखते हैं, लास्ट 3 ईयर के नीट के, और जो इम्पोर्टेंट हैं इंसार आपको मिल सकते हैं क्वेश्चन। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर 15। चलिए, प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज मैक्सिमम ड्यूरिंग, तो हम लोग देखेंगे ग्रोथ मैक्सिमम ड्यूरिंग किस फेज में हो रही है, ड्यूरिंग लॉग फेज में हो रही है। तो अगर आप बनाते हैं ग्रोथ का कर्व हम लोग टाइम के साथ बनाते हैं। इधर हम लोग का इस एक्स एक्सिस पे टाइम है, तो ये आपको सिग्मोइड कर्व मिलेगा और इधर हमारी ग्रोथ है। तो पहले आपको लैग फेस मिलेगा, उसके बाद आपको लॉग फेस मिलेगा जिसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का फेस कहते हैं, और फाइनली हमें स्टेशनरी ग्रोथ मिलती है कि समय तो बढ़ रहा लेकिन ग्रोथ नहीं हो रही। तो पहले आपका लैग फेस, फिर है लॉग फेज और फिर है स्टेशनरी फेज। ठीक है जी, फिर से बना देता हूँ, थोड़ी सी उस पर ओवर राइटिंग हो गई। ये देखिए, ये है हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और ये आपका ग्रोथ के लिए कर्व बनता है इस तरह से। तो पहले लैग फेज है, टाइम ज़्यादा निकल रहा है लेकिन ग्रोथ उतनी नहीं दिखा रहा, फिर वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखा रहा कि टाइम कम निकल रहा है, टाइम कम हो रहा है, ग्रोथ ज़्यादा तेज़ी से हो रही है, टाइम के कंपैरिजन में ग्रोथ बहुत तेज़ है, और फाइनली स्टेशनरी हो जाएगी। तो आप देखेंगे कि उसने पूछा प्रोसेस ऑफ मैक्सिमम ग्रोथ, मैक्सिमम ग्रोथ कब होती है, लैग फेज में होती है, लॉग फेज में होती है, डोरमेंसी में होती है, सिनेसेंस बुढ़ापे में, एट द जब बिल्कुल आखिरी समय आ गया, तो लॉग फेज में आप लोग को देखेंगे मैक्सिमम ग्रोथ देखने को मिलेगी। आपकी एनसीईआरटी की ही लाइन से ये क्वेश्चन है, तो ये 2020 में आया था। लॉग फेज में ग्रोथ अकर इन थ्री फेजेस, नेमली लैग फेज, स्लो ग्रोथ फेज, लॉग फेज, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड स्टेडी और स्टेशनरी फेज। मैक्सिमम ग्रोथ अकर इन द लॉग फेज इन शोज इन सिग्मॉइड कर्व। आप उसको अगर टाइम को और ग्रोथ को हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो सिग्मॉइड कर्व मिलेगा। नेम द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर विच अपॉन स्प्रेइंग ऑन शुगर केन क्रॉप इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ स्टेम। लेंथ ऑफ स्टेम कौन बढ़ा देता है, इंटरनोडल स्टेम, जिबरेलिन, आपकी बुक का है, बुक में दिया हुआ है कि जिबरेलिन को अगर हम स्प्रे करेंगे तो इंटरनोडल लेंथ बढ़ जाती है, आउटपुट बढ़ जाएगी शुगर केन में, ये बात वहाँ पर दे रखी है। तो शुगर केन में हम लोग अगर जुवेनाइल पीरियड में जिबरेलिन क्या करते हैं कि प्लांट की लेंथ बढ़ा सकते हैं, इवन जो हमारे होमोजाइगस डोमिनेंट हैं, होमोजाइगस रिसेसिव, जो इस तरह के प्लांट हैं, ड्रॉप प्लांट हैं जेनेटिकली, उनमें भी अगर आप जिबरेलिन स्प्रे करेंगे तो जिबरेलिन कैन कॉज द इलोंगेशन, ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हालांकि 2020 में आया है, इस साल आएगा नहीं, लेकिन कोई बात नहीं। तो जिबरेलिन है वो हमारा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, रेगुलेट वेरियस डेवलपमेंट प्रोसेस इंक्लूडिंग स्टेम इलोंगेशन, जर्मिनेशन, डोरमेंसी, फ्लावरिंग, फ्लावर डेवलपमेंट एंड लीफ एंड फ्रूट सिनेसेंस, इतने सारे को ये इफेक्ट कर रहा है, स्टेम इलोंगेशन, जर्मिनेशन, डोरमेंसी, फ्लावरिंग, फ्लावर डेवलपमेंट, इतने सारों को ये जिबरेलिन इफेक्ट कर रहा है। इथाइलिन मेजरली यूज फॉर द राइपनिंग फ्रूट्स एंड यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर एंड फ्रूट, किसके लिए, फ्रूट की राइपनिंग के लिए इथाइलिन को हम लोग यूज़ कर सकते हैं एंड फॉर प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट। एब्सिसिक एसिड एंड इनिबेटरी रादर देन स्टूमुलेटरी, एब्सिसिक एसिड इनिबेटरी हार्मोन है, एब्सिसिक एसिड की तरह ये इनिबिशन करता है ज़्यादातर चीज़ों में, स्टूमुलेटरी हार्मोन में नहीं आएगा। इन्वॉल्व इन द क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, बड एंड सीड डोरमेंसी एंड साइटोकाइनिन रिस्पॉन्सिबल, साइटोकाइनिन अलॉन्ग विद ऑक्सिन रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल डिवीजन, इवन परमानेंट सेल्स को भी डी डिफ्रेंशिएशन कर देगा। नीट 2020 का ही क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट अ इनिबिटरी सब्सटेंस गवर्निंग सीड डोरमेंसी, नॉट एन इनिबिटरी सब्सटेंस गवर्निंग सीड डोरमेंसी। एब्सिसिक एसिड, पिनोलिक एसिड, पैरामिनोबेंजोइक एसिड, जिबरेलिन, जिबरेलिन आपको पता है सीड डोरमेंसी को ब्रेक कर देता है, तो ये सीड डोरमेंसी नहीं काम, सीड डोरमेंसी ब्रेकर है। एब्सिसिक एसिड, पिनोलिक एसिड सीड डोरमेंसी इन्हांस करेंगे। इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम फॉर पाइनएप्पल प्लांट्स टू प्रोड्यूस फ्लावर्स, विच कॉम्बिनेशन ऑफ हार्मोन्स कैन बी अप्लाइड टू आर्टिफिशियली इंड्यूस फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल प्लांट। पाइनएप्पल प्लांट में काफ़ी समय लगता है फ्लावरिंग होने में, तो हम कौन सा ऐसा प्लांट ग्रोथ हार्मोन यूज़ कर सकते हैं आर्टिफिशियली जिससे फ्लावरिंग इंड्यूस हो जाए थ्रू आउट द ईयर टू इंक्रीज फ्लावरिंग, तो ये भी आपके बुक की लाइन है।
ऑक्सिन और इथाइलिन को हम लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पे कि फ्लावरिंग हो जाए। ऑक्सिन और इथाइलिन का कॉम्बिनेशन ऑप्शन नंबर ए में आपको सजेस्ट किया गया है, नीट 2019 का क्वेश्चन है। ऑक्सिन और इथाइलिन को हम लोग यूज कर सकते हैं टू इंड्यूस फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। पाइनएप्पल में फ्लावरिंग को इंड्यूस करने के लिए, इनिशिएट करने के लिए हम लोग किसको यूज कर सकते हैं? ऑक्सिन और इथाइलिन को। ठीक है जी, ऑक्सिन एंड इथाइलिन प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स। ऑक्सिन इंड्यूसेस फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, इथाइलिन आल्सो हेल्प्स इन सिंक्रोनाइजिंग ऑफ फ्लावरिंग एंड फ्रूट सेटअप इन पाइनएप्पल। तो पाइनएप्पल में फ्लावरिंग को इंड्यूस कौन कर रहा? ऑक्सिन, और साथ के साथ इथाइलिन भी सिंक्रोनाइज वे में काम करता है। अगर हम इथाइलिन को भी यूज़ करेंगे तो फ्लावरिंग और फ्रूट सेट को सिंक्रोनाइज कर सकता है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या है? ऑक्सिन और इथाइलिन। 2018-19-20 के क्वेश्चन हो गए। 17 का क्वेश्चन देख लीजिए, फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सिन को अगर हम अप्लाई करें तो अर्ली लीफ ड्रॉप और अर्ली फ्रूट ड्रॉप को ऑक्सिन रोकता है, ये आपके बुक में दे रखा है। हाउएवर सीनेसेंस हो चुका है तो ऑक्सिन प्रमोट करेगा, लेकिन यंग में ऑक्सिन उसको प्रिवेंट करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑक्सिन। विद द साइट ऑफ, व्हाट इज द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ फोटो पीरियड नेसेसरी फॉर इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग इन प्लांट। क्या साइट है फोटो पीरियड को परसीव करने का? फोटो पीरियड क्या है? फोटो पीरियड है 24 घंटे में से कितनी देर कोई ऑर्गेनिज्म एक्सपोज होता है लाइट को, लाइट को रिसीव करता है, वो फोटो पीरियडिज्म। फोटो पीरियडिज्म इज द पीरियड ऑफ टाइम इन 24 आवर्स टू विच ऑर्गेनिज्म इज एक्सपोज फॉर द सनलाइट। सनलाइट कितनी देर उसको मिल रही है, वही फोटो पीरियड है। तो फोटो पीरियड परसेप्शन, फोटो पीरियड को परसीव कौन करता है? लीव्स परसीव करती हैं, आंसर है इसका लीव्स। ये भी आपकी बुक की लाइन है, एनसीईआरटी की लाइन है, दे रखा है। तो लीव्स है वो साइट जो फोटो परसेप्शन, फोटो पीरियड को परसीव करती है। ड्यूरिंग फ्लावरिंग फोटो पीरियोडिक स्टिमुलस इज परसीव बाय द लीव्स ऑफ प्लांट एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस अ फ्लोरल हार्मोन इज प्रोड्यूस इन द लीव्स विच इज देन ट्रांसलोकेटेड टू द अपाइकल टिप सब्सिक्वेंटली कॉजिंग द इनिशिएशन ऑफ फ्लोरल प्राइमोर्डिया। तो लीफ में है और लीफ से वो चली जाएगी फ्लावर शूट एपेक्स पे, शूट की टिप पे, और उसको मॉडिफाई करेगी। शूट एपेक्स ही हमारा शूट, शूट टिप क्या है? फ्लावर, फ्लावर क्या है? मॉडिफाइड शूट। तो शूट एपेक्स पे पहुंचा ये परसेप्शन हार्मोन, पहुंचा फ्लोरीजन, और उसने उसमें मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल चेंज किए और शूट एपेक्स हमारा मॉडिफाई हो गया है फ्लावर में। फ्लावर का इनिशिएशन कौन कर रहा है भाई? लीव परसीव करती हैं फोटो पीरियड का एक्सपोजर। फंक्शन ऑफ ऑक्सिन एंड इथाइलिन, अब आपने क्या पढ़ना है इस बार? ऑक्सिन तो देखिए कवर हो चुके हैं, इथाइलिन को आप कंसीडर करिए और ऑर्गेनाइजेशन को आप कंसीडर करिए। यह आपके आने वाले नीट के लिए, अपकमिंग नीट 2021 में आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहे हैं इथाइलिन से और ऑर्गेनाइजेशन से। ये दो टॉपिक से आपको क्वेश्चन मिलने चाहिए। तो जैसा कि मैं आपको हर बार चैप्टर के एंड में बताता हूँ कि आपने इस ईयर के लिए कौन से टॉपिक को कंसीडर करना है, इथाइलिन के फंक्शंस को पढ़िए अच्छे से और वनलाइजेशन को पढ़िए अच्छे से। चलिए देख लेते हैं एक दो क्वेश्चन। व्हाट इज वनलाइजेशन? तो नीट का इस साल का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बिल्कुल सेम लैंग्वेज, ऐसा नहीं है मेरी वहाँ कोई सेटिंग है, सेम लैंग्वेज नहीं मिलेगी। हाँ, वनलाइजेशन कॉन्सेप्ट समझिए क्या है और उसमें जो वीट वैरायटी को उन्होंने समझा रखा है, स्प्रिंग वैरायटी, विंटर वैरायटी, वो पढ़ लीजिए अच्छे से, आ सकता है क्वेश्चन। ग्रोथ कर्व इन रिस्पॉन्स टू लाइट, ग्रोथ कर्व इन रिस्पॉन्स टू लाइट, रिकरेंस ऑफ डे एंड लाइट, इफेक्ट ऑफ डे लेंथ ऑन प्लांट ग्रोथ, एक्सीलरेशन ऑफ एबिलिटी टू फ्लावर ऑन लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट। यही है वनलाइजेशन है क्या? हम लोग देखते हैं कुछ फ्लावर ऐसे हैं, एक कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें फ्लावरिंग सेटअप होगी तभी जब वो लो टेम्परेचर का एक्सपोजर कर लेंगे, लो टेम्परेचर को एक्सपीरियंस कर लेंगे, आफ्टर द एक्सपोजर टू लो टेम्परेचर दे ओनली कैन फ्लावर, उसके बाद उनमें फ्लावरिंग होती है। तो इस तरह के प्लांट जो हैं फोटो पीरियड को परसीव करते हैं, फोटो पीरियड को रिस्पॉन्स करते हैं, वही कहलाते हैं हम, यही इफेक्ट हमारा कहलाता है वनलाइजेशन। वनलाइजेशन क्या है कि कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें तब तक फ्लावरिंग नहीं होगी जब तक वो लो टेम्परेचर को एक्सपीरियंस ना कर लें, लो टेम्परेचर के लिए एक्सपोजर ना हो जाए, उनमें फ्लावरिंग नहीं होगी। फ्लावरिंग तभी होगी जब वो लो टेम्परेचर को एक्सपोज हो जाएंगे, यही इफेक्ट कहलाता है वनलाइजेशन।
ठीक है जी। सो एक्सीलरेशन ऑफ फ्लावरिंग कह सकते हैं, एक्सीलरेशन ऑफ द एबिलिटी टू फ्लावर बाय लो लाइट लो टेम्परेचर इज नोन एज वर्नलाइजेशन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, जैसा कि अभी आपसे डिस्कस किया, एक्सीलरेशन ऑफ द एबिलिटी टू फ्लावर बाय लो लाइट टेम्परेचर इज द वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन इज द एक्विजिशन ऑफ एबिलिटी ऑफ प्लांट टू फ्लावर बाय चिलिंग ट्रीटमेंट। एक्विजिशन ऑफ एबिलिटी ऑफ प्लांट, प्लांट की ये एबिलिटी एक्वायर करना, ये इस चीज़ को गेन करना कि फ्लावरिंग वो दिखा देगा लो टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर के एक्सपोजर के बाद, वही है वर्नलाइजेशन। इन द एब्सेंस ऑफ कोल्ड ट्रीटमेंट, एक्यूमुलेशन ऑफ एंड क्योरोनिक एसिड इन शूट टिप अकर्स। ये सब बातें आप छोड़ो कि एक्यूमुलेशन ऑफ एंड क्योरोनिक एसिड इन द शूट टिप अकर्स, कोल्ड ट्रीटमेंट फॉलोड बाय एक्सपोजर टू हाई टेम्परेचर कन्वर्ट इन टू GA9, ये भी छोड़िए, विच स्टिमुलेट्स फ्लावरिंग, ये सब आपसे ना पूछा जाएगा, इसको आप छोड़िए। आप केवल ये याद रख लो कि भाई वर्नलाइजेशन हो क्यों रहा है, मतलब क्या का वर्नलाइजेशन है, क्या लो लाइट लो टेम्परेचर एक्सपोजर के बगैर वो नहीं दिखा रहा प्लांट फ्लावरिंग। हाउ मैनी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट इथाइलिन एक्सपेक्टेड इन नीथ। ये देखिए, ये वाला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इथाइलिन के इफेक्ट जान लीजिए, फंक्शंस जान लीजिए। इथाइलिन ब्रेक्स द सीड डॉर्मेंसी, बड डॉर्मेंसी आपकी बुक की लाइन है, ठीक बात है। प्रमोट्स रैपिड पिटियोल इलोंगेशन इन डीप वाटर। राइस प्लांट में डीप वाटर आप जानते हैं, जहाँ पर धान की खेती होती, पानी घुटनों घुटनों तक बढ़ा रहता, तो वहाँ तक डीप की उनको प्रमोट करता है पिटियोल इलोंगेशन, ताकि वो पानी के ऊपर आ जाए। ये स्टेटमेंट भी ठीक है, इथाइलिन प्रमोट्स रूट ग्रोथ, रूट की ग्रोथ को, रूट हेयर की ग्रोथ को, फॉर्मेशन को प्रमोट करता है, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। इथाइलिन प्रमोट्स फीमेल फ्लावरिंग इन कुकुम्बर, देयर बाय इंक्रीजिंग द यील्ड, और इसकी वजह से पैदावार बढ़ जाती, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। बेसिकली चारों ही स्टेटमेंट ठीक है इथाइलिन के फंक्शन के लिए। इथाइलिन ब्रेक्स द सीड एंड बड डॉर्मेंसी, करेक्ट स्टेटमेंट। इथाइलिन प्रमोट्स रैपिड पिटियोल इलोंगेशन, करेक्ट स्टेटमेंट। इथाइलिन प्रमोट्स रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन, करेक्ट। इथाइलिन प्रमोट्स फीमेल फ्लावर इन कोकुम्बर, करेक्ट। ये चारों ही करेक्ट स्टेटमेंट है, यू शुड ऑप्ट ऑप्शन नंबर A4। चारों के चारों स्टेटमेंट ठीक हैं, ये चौथा नंबर नहीं कह रहा, चारों के चारों स्टेटमेंट ठीक हैं, ऑल द फोर स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। जी हाँ, सभी स्टेटमेंट इथाइलिन के लिए करेक्ट हैं, इथाइलिन ये सारे इफेक्ट दिखाता, बड डॉर्मेंसी और सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करेगा, रैपिड पिटियोल इलोंगेशन प्रमोट करेगा, इथाइलिन प्रमोट्स रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन करेगा, इथाइलिन प्रमोट्स फीमेल फ्लावर इन कुकुम्बर करेगा। तो ये चारों ही स्टेटमेंट ठीक है, इन चारों का ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट फोर को चुन लीजिए, वही सही है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर फोर, ऑल द फोर स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ये चारों के चारों इफेक्ट इथाइलिन दिखाता। व्हाट प्लांट, विच प्लांट हार्मोन इज यूज टू इनिशिएट फ्लावरिंग एंड फॉर सिंक्रोनाइज सीड सेट इन पाइनएप्पल। अभी हम लोगों ने देखा, अभी बात करी है, किसको हम लोग यूज़ करते हैं, तो ऑक्सिन और इथाइलिन। ऑक्सिन करता है इथाइलिन, ये और इथाइलिन भी ये काम करता है कि इनिशिएट करता फ्लावरिंग और सिंक्रोनाइज सूट सेट पाइनएप्पल में इनिशिएट करता। आंसर हो जाएगा इथाइलिन, अभी हम लोगों ने देखा दो मिनट पहले, ठीक है जी। तो आंसर है हमारा इथाइलिन, इथाइलिन इनिशिएट्स फ्लावरिंग एंड सिंक्रोनाइज फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल। इट इज गैसियस प्लांट हार्मोन रेगुलेटर विच आल्सो हैजन द राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स एंड प्रमोट्स एब्सिशन एंड सीनेसेंस ऑफ लीव्स एंड फ्लावर। इट इज कॉमनली यूज इन द फॉर्म ऑफ इथेफोन, इथेफोन के फॉर्म में यूज किया जा रहा है, विच रिलीजेज इथाइलिन स्लोली फ्रॉम एन एक्वस सोल्यूशन। सो करेक्ट आंसर इज इथाइलिन एक्सपेक्टेड इन नीट। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। एब्सिशन कैन अकर ओनली वेन ऑक्सिन कंटेंट इज हायर इन स्टेम, ऑक्सिन कंटेंट हायर इन स्टेम, देन द एब्सिशन कैन अकर एक्सपेक्टेड इन नीट। इसको आप एज सच मैं नहीं कहूँगा कि ये आएगा क्वेश्चन, लेकिन चलिए कोई नहीं, एक दो तो वैरायटी रखनी है ना। कन्वर्जन ऑफ ट्राईफिनाइल टेट्राजोलियम टू ट्राईफिनाइल फॉर्मा देन यूज फॉर सीड वाइबिलिटी के कन्फर्मेशन के लिए, ये भी आप मैं नहीं समझता आपसे पूछा जाए। फिल इन द ब्लैंक्स, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए। वीट वाले राई हैव टू काइंड ऑफ वैरायटी, विंटर वैरायटी एंड स्प्रिंग वैरायटी। द स्प्रिंग वैरायटी आर नॉर्मली प्लांटेड इज स्प्रिंग वैरायटी नॉर्मली प्लांटेड इन स्प्रिंग, यहाँ लिखिए, एंड कम टू फ्लावर एंड प्रोड्यूस ग्राम बिफोर द एंड ऑफ द ग्रोइंग सीजन। प्रोडक्शन उसकी हो जाएगी
ग्रोइंग सीजन से पहले। विंटर वेराइटी हावेवर इफ प्लांटेड इन विंटर वेराइटी हावेवर इन प्लांटेड इन स्प्रिंग वुड नॉर्मली फेल टू फ्लावर। विंटर वेराइटी को अगर हम स्प्रिंग में फ्लावर कर देंगे वो फ्लावरिंग नहीं दिखाएगी एंड प्रोड्यूस मैच्योर ग्रेन विद इन द स्पैन ऑफ फ्लावरिंग सीजन, और फ्लावरिंग सीजन के बाद ही दिखाएगी। हैंस विंटर वेराइटी आर प्लांटेड इन, इसलिए विंटर वेराइटी को हम कब प्लांटेड करेंगे? ऑटम में प्लांट किया, दे जर्मिनेट एंड ओवर विंटर दे कम आउट एज हार्वेस्टेड, और विंटर में उनमें फ्लावरिंग हो जाएगी। कम आउट एज हार्वेस्टेड यूजली अराउंड मिड समर, तो विंटर में फ्लावरिंग दिखाएंगे। हैंस विंटर वेराइटीज आर प्लांटेड इन, विंटर वेराइटी को हम प्लांट कब कर रहे हैं? विंटर वेराइटी को हम प्लांट स्प्रिंग में ना करके ऑटम में प्लांट करेंगे। दे जर्मिनेट एंड ओवर विंटर दे कम आउट, विंटर में करने के बाद स्प्रिंग में हम उनकी हार्वेस्टिंग करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पे आप लिखेंगे स्प्रिंग वैरायटी को स्प्रिंग में करते हैं, स्प्रिंग विंटर वैरायटी को अगर हम स्प्रिंग में करेंगे तो फ्लावरिंग नहीं दिखाएगी, इसलिए विंटर वैरायटी को हम कब उसको बीजेंगे? हम उसको बीजेंगे ऑटम में बीजेंगे, और विंटर में उसमें फ्लावरिंग होगी और अगले स्प्रिंग में हम उसको हार्वेस्ट कर लेंगे। ये है इसकी कहानी। तो विंटर और स्प्रिंग वैरायटी इसको आप देख लीजिएगा, ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। मैंने आपको दो टॉपिक बताए हैं, इथाइलीन से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, एक क्वेश्चन आपको वनलाइजेशन से मिलेगा। ये दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे डेफिनेटली। 13 तारीख को बैठ के साथ हम लोग मिलते हैं, तो करते रहिए आप लोग स्टडी। अगले क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चनेयर के साथ आपके आता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको इसमें सेशन में इंटरेस्ट आया होगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद, टिल देन गुड लक, गुड बाय, थैंक यू।